फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आरआरबी ने अभी जल्दी ही एक नोटिफिकेशन निकालने वाली है 1.3 लाख फ्लो पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में आपको उसके बारे में डिटेल्स देने वाला हूँ कि क्या क्या आएगा, कब वैकेंसी आने वाली है और इस जो नोटिफिकेशन उसमें क्या क्या है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आपको वीडियोज़ लगातार मिलती रहें, इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी मिलता रहे। और उसके बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन जो कि आरआरबी ने निकाला है, तो ये देख सकते हैं, ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है, ये 1/2019, 2/2019 एंड 3/2019 है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRC 01/2019 है। तो इसमें दिया आरआरबी एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स इनवाइट, ऑनलाइन एप्लीकेशन से इनवाइट करता है। तो कौन कौन से पोस्ट हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC है, जिसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेंस क्लर्क है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, इस तरह के पोस्ट हैं। इसकी जो रजिस्ट्रेशन जो शुरू होने वाला है वो ऑनलाइन शुरू होना है 28 फरवरी 2019 से, और इसका जो कोड जो एम्प्लॉयमेंट नंबर रहने वाला है वो RRB/CEN01/2019 होने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी पैरामेडिकल स्टाफ की है, जिसमें स्टाफ नर्स, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब सुपरिंटेंडेंट, इसके पोस्ट आने वाले हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो शुरू होने वाला है वो होने वाला है 4 मार्च 2019 से शुरू होने वाला है, कोड है RRB CEN 2019। फिर थर्ड जो पोस्ट है वो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज है, जिसमें स्टेनोग्राफर, चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, इनके पोस्ट होने वाले हैं। तो इसका ऑनलाइन डेट जो शुरू होने वाला है रजिस्ट्रेशन का, वो 8 मार्च 2019 से शुरू होने वाला है, और इसका जो कोड है एम्प्लॉयमेंट कोड वो RRB CEN 03/2019 है। उसके बाद लेवल वन के पोस्ट हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड 4 ट्रैकमैन का पोस्ट, गेटमैन, पॉइंट्समैन, हेल्पर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड SNT डिपार्टमेंट्स, पोर्टर एक्सेट्रा, इस तरह के जो पोस्ट हैं इनका जो एप्लीकेशन शुरू होने वाला है वो 12 मार्च 2019 से शुरू होने वाला है, RRC 01/2019 इसका कोड है। तो ये सारे वेरियस रेल जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट्स में इसके पोस्ट आने वाले हैं। वैकेंसीज की बात करें तो ये जो वैकेंसी मैंने आपको चार बताई, NTPC पैरामेडिकल स्टाफ, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज और लेवल वन पोस्ट, टोटल वैकेंसी जो अप्रॉक्स होने वाली है 1,30,000 होने वाला है, जो अभी हाल फिलहाल की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। उसके बाद दिया डिटेल जो CEN है वो पब्लिश किया जाएगा जो भी RRBs के वेबसाइट और RCs के वेबसाइट पे, जो कि पैरा 13-14 में दिया हुआ है नीचे, जहां वैकेंसीज दिया हुआ है वो प्रोविजनल है और उसमें बढ़ और घट सकता है टोटल में। तो लेटर स्टेज डिपेंड करता है एक्चुअल नीड्स कितना है रेलवे का। उसके बाद द पोस्ट पैरामीटर्स एंड वैकेंसी टेबल जो इंडिकेटेड है उसमें जो है ये सब कैटेगरीज भी एलिजिबल हैं। तो ये डिटेल जो CEN आएगा उसमें दिया रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे RRB पे आएगा। जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 जुलाई 2019 के अनुसार किया जाएगा। ये जो है लोअर और अपर एज लिमिट वो डिपेंड करता है वेरियस पोस्ट के लिए, तो वेरियस पोस्ट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये भी आ जाएगा। पे भी डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट होगा, पे लेवल अलावेंस 7th पे कमीशन के अनुसार मिलेगा। उसके बाद फिर जो ये भी होगा डिफरेंट होगा डिफरेंट पोस्ट के लिए, ये भी आ जाएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फाइनल। तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें भी डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होगी, इसका भी डिटेल्स आपको आ जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट्स इन प्रिस्क्राइब एडुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, मतलब जो कैंडिडेट्स अभी भी एग्जाम दे रहे हैं, अभी उनका ग्रेजुएशन कम्प्लीट नहीं हुआ, या जो भी अभी जो वैकेंसी आने वाले वो कम्प्लीट नहीं किया अपना डिग्री, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो अप्लाई ना करें, ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड की बात किया गया है, तो उसमें दिया है कि प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड उनको फुलफिल करना होगा। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जो CEN पब्लिश होगा उसको देखना होगा। उसके बाद अगर मेडिकली अनसुटेबल हुए तो उनको नहीं दिया जाएगा अल्टरनेट अपॉइंटमेंट। रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी फॉर PWBD कैंडिडेट्स, उनके लिए भी डिटेल CEN जब पब्लिश होगा उसमें दे दिया जाएगा। एक सर्विसमैन के लिए भी इसमें होने वाला है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी पोस्ट होने वाले हैं।
उसके बाद एग्जामिनेशन फी की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स और जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं है उनको ₹500 लगेगा, और कैंडिडेट जो SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं उनको ₹250 लगेगा, जिसमें जो है ₹250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज एज एप्लीकेबल ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो NTPC के लिए वो ओपन होगा RRB का, वो 28 फरवरी 2019 को ओपन होगा 10 बजे सुबह में। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब पैरामेडिकल स्टाफ का शुरू होगा वो 4 मार्च 2019 को 10 बजे सुबह से शुरू होगा। उसके बाद मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का जो है वो एप्लीकेशन 8 मार्च 2019 को 10 बजे से शुरू होगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन Level 1 by RRCs के लिए ये 12 मार्च 2019 के सुबह 10 बजे से होगा। उसके बाद दिया है कैंडिडेट्स को अपना पोस्ट पैरामीटर टेबल, वैकेंसी टेबल और ये सब देख लेना चाहिए अप्लाई करने से पहले, जो कि RRB और RRC के वेबसाइट पर दिया होगा डिपेंड तो एलिजिबिलिटी के अनुसार। जो एक बार आपने RRB और RRC जो अप्लाई कर दिया वो आपके लिए वही फाइनल होगा, अगर एक से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो कैंडिडेचर जो आपका है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसी के बेसिस पे आपको कैंडिडेट्स को देखा जाएगा। तो इस तरह के डिटेल्स सारे दिए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से वैकेंसीज आने वाली हैं। तो RRB की बात करें तो अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, ये सबसे आने वाले हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि ऑफिशियल वेबसाइट्स RRCs का देखें जी, ये सब पोस्ट के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, ये सारे आपको डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, टेलीफोन नंबर्स भी दिए हुए हैं। तो ये आपको जब वैकेंसी शुरू हो जाएगी तो हम फिर वीडियो बना देंगे उससे रिलेटेड। तो आप फिलहाल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी इससे रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन पहुंचे। कोई सवाल हो तो कुछ कमेंट भी कर सकते हैं आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या यहाँ पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है। और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।